Hi guys and welcome back to my channel. आज का वीडियो फैशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है. In fact, अपने videos को और enhance कैसे कर सकते हैं आज हम इसके बारे में बात करेंगे. In short, के free version में बहुत सारे new features add हुए हैं जैसे PIP या फिर Chroma. तो आज हम इन सारे features के बारे में बात करने वाले हैं. So watch the video till the end. In short, का app आप Play Store से download कर सकते हैं. So without waiting any further, let's move on to our mobile screen. अपने मोबाइल फ़ोन से InShot ऐप खोलिए. ये इंटरफेस दिखेगा. यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करें. नेक्स्ट न्यू पे जाके वीडियो को सिलेक्ट करें. यहाँ मैं गैलरी पे आ चुकी हूँ और अब मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेती हूँ. जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इस वीडियो के साथ मैं एक अलग वीडियो ऐड करूँगी या फिर पिक्चर, तो उसके लिए मैं जाऊँगी PIP पर. अब जो भी वीडियो या पिक्चर मुझे लगाना है वो मैं सिलेक्ट करूँगी. तो चलिए मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वीडियो है, इसे मैं कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ और छोटा या बड़ा भी कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्क्रीन. वीडियो को क्रॉप करने के लिए एंड में क्रॉप का ऑप्शन है, तो वहाँ ले चलती हूँ. क्रॉप का ऑप्शन सिलेक्ट करें और जो भी साइज आपको चाहिए यहाँ से उस साइज को सिलेक्ट कर लें. अब इसे मैं अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि दोनों बिल्कुल सिंक में लगें. तो इस तरीके से या आई थिंक दिस इज परफेक्ट. एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं. यस, दिस लुक्स फाइन. तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है की फ्रेम का. सो की फ्रेम को क्लिक करें. की फ्रेम जो है वो ओपेसिटी कम और ज़्यादा करने में मदद करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैं बिल्कुल गायब हो गई हूँ, अब मैं प्रकट हो गई हूँ. अगर आप की फ्रेम यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन द नेगेटिव साइन. नेक्स्ट की जो है वो है एडिट का. इसमें आप अपने वीडियो को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे आप इन एंड आउट ले सकते हैं या फिर आप लेफ्ट या राइट एरो की भी यूज़ कर सकते हैं. आप इसकी ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं. तो अभी के लिए मैं इसे नॉर्मल या बेसिक रखना चाहती हूँ. नेक्स्ट ऑप्शन स्क्वायर बटन जो है वो एक फ्रेम बनाने में मदद करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रेम की विड्थ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं. आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ब्लैक चूज़ किया है. अभी के लिए मैं इसे एक थिन फ्रेम दे देती हूँ. या दिस इज़ गुड. नेक्स्ट ऑप्शन ओपेसिटी का है. अगेन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्प्लिट के ऑप्शन में. जो भी वीडियो का पोर्शन आपको नहीं चाहिए वो वहां से कट करें और डिलीट कर दें. फिलहाल मैं इसे डिलीट नहीं करना चाहती तो मैं अंडू प्रेस करूंगी. तो पहले अंडू स्प्लिट हो जाएगा और फिर अंडू डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो है फिल्टर का. सो फिल्टर को प्रेस करें और आपके पास बहुत सारे फिल्टर्स नीचे आ जाते हैं. तो आप इनमें से जो भी आप चाहें वो चूज़ कर सकते हैं. अभी मैं इसे नॉर्मल ही रहने देती हूँ. नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो एडजस्ट का है. एडजस्ट में आप इसके कॉन्ट्रास्ट, इसके वॉर्म्थ, इसकी लाइटनेस, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं. इन शॉर्ट में एक नया की इंट्रोड्यूस हुआ है जो है क्रोमा. क्रोमा के लिए मैं PIP पर जाकर एक ग्रीन स्क्रीन वाला फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेती हूँ. क्रोमा जो ऑप्शन है वो ग्रीन स्क्रीन हटाने में मदद करता है. तो क्रोमा सिलेक्ट करें और ग्रीन स्क्रीन वाले फ़ोटो पर क्लिक करें और इसकी स्ट्रेंथ को आप एडजस्ट करें. अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल हट चुका है. क्रोमा फीचर से आप ग्रीन स्क्रीन वाले कोई भी वीडियो या पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं. अभी के लिए मैं इसे अनडू कर देती हूँ. नेक्स्ट ऑप्शन वॉल्यूम का है, जिससे कि आप अपने वीडियो की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं कम या फिर ज़्यादा. नेक्स्ट ऑप्शन स्पीड का है, तो इससे आप अपने वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि वीडियो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मोड पर चल रहा है. अभी मैं इस स्पीड को वापस नॉर्मल कर देती हूँ. नेक्स्ट ऑप्शन रिप्लेस का है. रिप्लेस की से आप अपने एग्जिस्टिंग वीडियो को दूसरे वीडियो क्लिप के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे नया वीडियो सिलेक्ट कर लिया है और इसे रिप्लेस कर दिया है.
चलिए अब मैं वापस से इसे अंडू कर देती हूँ। तो मैं आ गई अपने पुराने वीडियो पर। फाइनली जो ऑप्शन है वो है क्रॉप का, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फाइनली पूरे वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख लेते हैं। आई थिंक स्प्लिट स्क्रीन बिल्कुल अच्छे से अचीव हो गया है। इस वीडियो से आपको सारे न्यू फीचर्स के बारे में पता चल गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन रीच आउट टू मी। होप यू हैव लाइक द वीडियो, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय एंड टेक केयर।